पूरे देश में प्राकृतिक खेती की बात हो रही है और उस प्राकृतिक खेती के लिए बीजामृत घन मृत और कई तरह के दस्पर्णी अर्क जैसे कई इस तरह के जो जैव रसायन की बात हो रही है बनाने की बात होती है उनकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है वो चाहे सरकार के द्वारा हो रही हो चाहे प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर फैलाने वाले या उनकी बात करने वाले जो पालेकर जी हैं उनके द्वारा भी हो रही है लेकिन इस तरह का जो आपने कहीं नहीं नाम सुना होगा जो मैं आप दिखाने जा रहा हूँ आपको ये ऊर्जा जल है इसी तरह अणु जल है और अलग अलग तरह के रसायन हैं इनके नाम भी बिल्कुल अलग हैं जो आपने बहुत कम सुने होंगे और इनके फ़ायदे सुनेंगे और इनके उपयोग सुनेंगे कि किस तरीके से इनको बनाया गया है तो वो भी आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे और इनके जो फायदे हैं खेती में वो अपने आप में बड़े अलग तरह के हैं तो ये खेती है क्योंकि जो हमने खेती की बात की है जो एक वैदिक खेती में इस तरह की चीज़ों का यूज हो रहा है और उसके रिज़ल्ट बहुत ही चौंकाने वाले हैं और इस रिज़ल्ट को देख कर चाहे वो भारतीय कृषि के जो बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी अचंभित हैं और यहाँ तक कि जो सरकार के अधिकारी हैं जो कृषि सेवा से जुड़े हुए हैं वो भी अचंभित हैं तो किस तरह के ये आ, ऊर्जा जल बनाया गया है किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है कितना समय लगता है और कैसे इसका उपयोग करते हैं हम जानते हैं इसको बनाने वाले इसको नई तरीके से विकसित करने वाले जो हैं वो पूर्व डिप्टी एस पी सैलेंसिंग सर दे... देखिए जैसा कहते हैं कि अपने आ, पौधों को आने वाले फसल उसमें जो लग रही है उसको बढ़ाने के लिए हमको विटामिन मिनरल्स एंड जाइम्स भी चाहिए जैसे हम अपने बॉडी में लेते हैं सेम वही चीज़ उनको भी चाहिए खेत खराब हो चुके हैं आपको भी मालूम है लगातार केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ करने के कारण तो उनमें उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए अभी खेत हमारे नेगेटिव है तो उनकी सबसे पहले ऊर्जा बढ़ानी है तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमने कहा कि वैदिक विजडम से अभी आपको अग्निहोत्र बताया और करके भी दिखाएंगे सूर्यास्त होने वाला है तो उससे जो राख मिलती है उस राख को पानी में डाल के हम और उससे फिर जो हम बनाते हैं और खेत में सिंचाई के साथ या स्प्रे करते हैं पौधे पे तो वो पॉजिटिविटी उनके साथ जाती है नहीं तो, तो इसमें क्या केवल राख ही है कि और भी कुछ राख है? है और उसके साथ साथ जल है जल है बस अभी है और नीचे चीजें हैं जो हम बताएंगे आगे चल के दूसरी चीजें हैं तो इस जल को कैसे यूज करते हैं सिंचाई के साथ आप जैसे ये 200 लीटर पानी है आपको सिंचाई करनी है एक एकड़ में तो जो आप सिंचाई कर रहे हैं ड्रिप कर रहे हैं या फ्लड एरीगेशन जैसे भी कर रहे हैं उसके साथ दो लीटर डाल दिया खेत में

कुछ लोग सरकार की तरफ से वैज्ञानिक है कुछ अपने प्राइवेट भी काम कर रहे हैं जैसे सुभाष पालेकर जी का नाम लिया ताराचंद जी हैं तमाम और लोग काम कर रहे हैं इसमें तो हमने सबसे ट्रेनिंग ली सबके तरीके सीखे और वो देखा कि किसान के लिए सबसे कम खर्च में जो तैयार हो सकता है और उपज बढ़ाने के काम आ सकता है उस तरीका को अपना के फिर हमने मिक्स करके ये आगे बनाया है बनाया। अब जैसे ऊर्जा जल आपने देखा है यहाँ तमाम तरह के देख रहे हैं शडरस है अनद्रव रसायन है अणु जल है कीड़ भक्षक है और उसके साथ साथ आगे चल के आप देख रहे हैं भक्षक है, भक्षक पीएम है तमाम इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वहाँ घड़ा एक जमीन में गड़ा हुआ है उसमें भी द्रव्य रसायन है तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए हम जैसे अपने यहाँ का चावल है उसको उबाल के उसमें घड़े में डाला एक हफ्ते वहाँ ज़मीन के नीचे रहा एक छायादार फल वृक्ष के नीचे फिर उसको हमने ला के यहाँ डाला और उसमें हमने अपना छाछ भी मिलाते हैं देसी गाय का जो छाछ तो वो भी मिलाते हैं आप जानते हैं कि अगर पौधे में फूल आ रहे ठीक से फूल नहीं आया झड़ गया तो बेकार हो जाएगा फसल ही नहीं होगी तो फूल न झड़े समय से फूल आए और फूल आने के बाद समय से उसमें फसल लगे तो वो सब छिड़काव ये समय समय पर डिफरेंट तरीके से पूरी इसकी एक पद्धति है ट्रेनिंग देते हैं हम लोग और सरकार के लोग भी आए प्राइवेट भी आते हैं लोग ट्रेनिंग के लिए तो ये सब चीज़ें करते हैं अब जैसे ये शड रस आपने देखा जी आंवले में पाँच तरह के रस होते हैं उसके साथ साथ हमने मिला दिया छाछ को तो छः तरह के रस हो गए

इसका ही उपयोग बताया ना कि फूल झड़ जाते हैं फसल नहीं आती तो उस पर छिड़कते हैं हम लोग हैं तो वो रुक जाता है वो रुक जाता है प्लस उस पर जो फसल आ रही है वो भी अच्छी होती है अब इसी में आगे चल के बड़े टैंक में आपको दिखाते हैं हम जैव रसायन बनाए हैं अब उसमें खट्टा रसायन और मीठा जैव रसायन जो फसल में स्वाद आता है उन जैव रसायन से आता है जैसे आपने खाया यहाँ के चीज़ें तो स्वादिष्ट लगी तो वो खट्टे रसायन से जैसे आंवला हो गया ये सब लेके के हमने खट्टा रसायन बना लिया और कद्दू वद्दू जो फसल हो गई या मीठी जो अपने हो रहे खेत पे उसको लेके हमने मीठा जो रसायन बना दिया तो इनसे आपका स्वाद बढ़ जाता है मतलब ये जो उपज है उपज के टेस्ट को बढ़ा दी टेस्ट को हाँ अगर केवल उपज ही हो रही है टेस्ट नहीं आ रहा है जैसे आज केमिकल फर्टिलाइजर से बहुत से लोगों ने झटके में उपज बढ़ाई लेकिन टेस्ट चला गया तो वो टेस्ट भी आवे उपज भी बढ़े टेस्ट भी आवे हमें कंप्लीट चीज़ रखनी है और उसमें कोई हानिकारक चीज़ ना हो ये भी ध्यान रखना है किसान को केवल आप कहिएगा कि साहब ठीक है बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीज़ है नहीं। उपज नहीं है नहीं। कम है तो किसान नहीं करे नहीं। 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 लेकिन जब आप उपज भी बढ़ा रहे हैं उसका क्वालिटी भी बढ़ा रहे हैं उसमें स्वाद भी ला रहे हैं तो कहेगा गया इसकी तो डिमांड हमारी बढ़ गई जो खाएगा दोबारा मांगेगा <laughs> तो किसान की इनकम ऐसे बढ़ती है कॉस्ट कम होती है क्योंकि बाहर का कोई चीज आप बाहर से खरीदा हुआ नहीं है नहीं। चावल आपके किसान के पास है छाछ किसान के पास है द्रव्य हाँ, क्या उसी है? को जो हमने वहाँ चावल जो डाला है अभी हाँ उसी को ला फिर दो किलो चावल उसके साथ गुड़ डाल के हम फिर इसके साथ अपना पानी डाल के दो लीटर में ये बनाए हैं अब इसको स्प्रे करना हुआ एक एक मतलब वन पॉइंट वन परसेंट से लेके आप स्प्रे कर दीजिए जिस समय आपका फसल आनी होती है फूल लगते हैं बहुत अच्छा आपका हो जाएगा अणु जल क्या है भैया ये अणु जल हमारे डिटेल जो है आपने देखिए हमने बताया ना कि हमने सबसे सीखा है एक हमारे ताराचंद जी हैं वो भी सहयोगी हैं और हमारे फार्म पे भी आए हैं उन्होंने कई तरह का प्रयोग किया वो बहुत काफी से इसमें फील्ड में काम कर रहे थे और उन्होंने खुद अपनी टी पद्धति बनाई ताराचंद जी बेल जी टेक्निक करके यूट्यूब पर कोई भी देख सकता है तो उसमें इन लोगों ने ये सब चीज़ें प्रयोग की हैं हम पहली बार अभी चार महीना पहले इसको अपने खेत पे स्टार्ट किया है प्लस अपना भी चीज़ें ऐड किया इसमें तो वो चीज़ें हमने ये सब बनाई हैं कि अड़ू जल जो है इसको बनाया तमाम अपने द्रव रसायन और जो भी चीज़ देखा वो डिफरेंट डिफरेंट है पूरा नेट पर है आप जाके देखेंगे यूट्यूब पर तो सब डिटेल है इसमें तो ये काम करता है ऑलरेडी तो तो ये, ये उनका अपना बनाया हुआ है उनका पेटेंट किया हुआ है अच्छा, भक्षक। हाँ, तो वो उनसे ही लेके मैंने इसको प्रयोग किया फिर मैं देख रहा हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है प्लस हमको और क्या करना है तो एक तो बेसिक चीज है कि जैसा हमने अपना गोमूत्र प्रयोग किया तो गोमूत्र एक बहुत बड़ा है पालेकर जी ने जैसे कहा कि हम दस पर्णी अर्क बनाते हैं तमाम तरह की चीज़ें हैं समय भी लगता उसमें काफ़ी डिटेल प्रोसेस है लेकिन कभी रिज़ल्ट हमने भी करके देखा कुछ चीज़ों में नहीं आया तो वो सब कंबाइंड किया मैंने सबको मिलाया कि क्या बेहतर रिज़ल्ट और कॉस्ट कहाँ कम हो रही है जैसे खेत को बहुत से लोग कहते हैं कि आपको पहली बार खेती करनी है तो पूरा ये पलटना होगा ये मिट्टी वो मिट्टी हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है केवल हमारे देशी गाय का गोबर गोमूत्र आ जाए और कुछ चीज़ें जो अपने घरेलू हैं उनको भी मिला दिया जाए तो खेत पॉजिटिव हो जाएगा प्लस ये वैदिक विस्टम अपनाया हमने जो राख के माध्यम से उसको किया तो इसके लिए आपने देखा कि गोबर गैस प्लांट भी है गैस लिया उससे जो स्लरी निकल रही है तो उससे बढ़िया खाद कोई नहीं होती है बैक्टीरिया चाहिए खेत में तो बैक्टीरिया गाय गोबर में सबसे ज्यादा सबसे तो वो सब ला हम लोगों ने ये डाला है तो ये देखा कि किस तरीके से आज जो हम जीवामृत और घन जीवामृत या इस तरह के रसायन हम जैव रसायन बना रहे हैं तो लेकिन ये अलग तरह के रसायन है जिसमें खडरस आपने देखा कि किस तरीके से आंवले को यूज़ किया और आंवले के साथ साथ इसमें जो छाज है जो देसी गाय का उसको यूज किया गया है इसलिए वो खडरस नाम दिया गया और इसका उपयोग सबसे अच्छा जब पौधों में फूल आता है और जब पौधे क्योंकि फूल के बाद ही फल बनते हैं तो उस समय इसका सबसे अच्छा यूज़ होता है और इससे उत्पादन बढ़ जाता है ये अन्न द्रव्य रसायन है इसमें हम चावल का यूज़ करते हैं चावल को पकाने के बाद में उसको एक मिट्टी के घड़े में एक सप्ताह के लिए हम थोड़ा सा उसको मिट्टी में दबा देते हैं फिर उसके उपयोग से इसको बनाते हैं इसी तरीके से ये अणुजल है इसी तरीके से भक्षक है भक्षक एक तरह का पेस्टिसाइड है और ये भी जैविक तरीके से पूरी तरीके से बनाया गया है ये आप ही के खेती किसानी या आपके घर में से तमाम ऐसी चीजें जो निकलती हैं, उन्हीं का प्रयोग करके बनाया गया है तो इनको बना लेने से न सिर्फ किसानों का वो पैसा बचेगा जो उसकी खून और जो उसके पसीने की मेहनत है वो जो दिन रात इकट्ठा करता है और वो फिर हम पेस्टिसाइड बाज़ार से ख़रीद के जाते हैं और उसमें भी कभी कभी किसान धोखा खा जाता है और उसे गलत पेस्टिसाइड मिलते हैं तो फसल बर्बाद हो जाती है वो पैसा बचेगा और न सिर्फ उसकी फसल बढ़िया होगी बल्कि उसकी आमदनी भी बढ़िया हो जाएगी तो सरकार कहती है दोगुनी आमदनी लेकिन इन तरीक़ों से किसान अपनी दोगुनी से भी ज़्यादा आमदनी कर सकता है तो इन तरीकों को निश्चित तौर पे अब अप जाए अपनाया जाना चाहिए और अपना भी रहे हैं बहुत तरीके किसान तो ये मॉडल निश्चित तौर पे प्रभावी है क्योंकि इस जो फार्म में आपने देखा कि वो जो है कि जो पौधे लगे हैं इन पर इसका प्रयोग किया जा रहा है जिस तरीके की फसलें लहलहा रही हैं जिस तरीके की यहाँ पे सब्जियों की ऐसी फसलें हैं और ये खुद बोल रही हैं कह रही हैं कि मैं कितना स्वस्थ हूँ और वो इस चीज़ का ही प्रमाण है जो ऊर्जा जल है बताया कि नहीं ऊर्जा जल कैसे तैयार होता है कि इसमें जो आ, अग्निहोत्र करते हैं उसकी राख का उपयोग करते हुए हम ऊर्जा जल को बनाते हैं तो ऊर्जा जल का उपयोग करने से हमारी जो जमीन है वो ऊर्जावान हो जाती है और ऊर्जावान हो गई तो निश्चित तौर से पौधे भी ऊर्जावान हो जाएंगे तो उसका असर दिखता है और ये पूरा फार्म जो है वो उसी पद्धति पे काम कर रहा है तो ये एक ऐसा एक मॉडल है इस मॉडल को विकसित किया है इसको एक तरह से दोबारा से प्रत, एक प्रतिष्ठित करने का कि जो काम किया है पूर्व डिप्टी एस पी सिंह ने और इस मॉडल को देखने के लिए भी आज चारों तरफ से किसान ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक अधिकारी भी पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र सिंह किसान तक लखनऊ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें